यहाँ पे एग्जाम्पल 19 है, वी है जो MNF है, MNF है, तो ये कैसा है, कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो खैर ये तो मैंने शॉर्टकट मेथड से लिखा है, लेकिन आप बेसिस निकालना है पहले इसका। तो जब आप बेसिस निकालोगे, ये कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये एन क्रॉस एन का। तो ये क्या हो रहा होगा, जब भी ए आई जे हो रहा होगा वो ए जे आई के इक्वल हो रहा होगा, ठीक है, फॉर ऑल आई जे, यही होता है। या दूसरा यही है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए, दोनों सेम है, डेफिनेशन दोनों सेम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है ये। तो अगर मैं ये, चलो एक छोटा सा लेके कर रहा हूं पहले, 3x3 का, एफ जी एच, ठीक है, ए बी सी, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें एफ जी एच है एलिमेंट, और यहाँ पे ए बी सी है। अगर इसको सिमेट्रिक होना है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कौन सा एंट्री है, A12, तो A21 भी A होगा। ये कौन सा एंट्री है, A13, तो A31 भी, यहाँ पे B है तो ये B होगा, ये C है तो ये C होगा। तो ये हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। तो अब आपको देख लो यहाँ पे ट्रिवियल एंट्री और नॉन ट्रिवियल एंट्री आप देख सकते हो। देखो एफ जी एच में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ए बी सी में यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये ए बी सी जो है यहाँ के ए बी सी के इक्वली होने चाहिए। तो या तो आप इनको रिस्ट्रिक्ट कर लो या इनको रिस्ट्रिक्ट कर लो, क्योंकि जब भी आप ये ए चेंज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली होगा। तो ये ए जो है इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये बी जो है इस पे डिपेंड कर रहा है, ये सी जो है इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो डिपेंडिंग है, ये जो एंट्री है आपकी, इसको कहते हैं हम ट्रिवियल एंट्री, क्योंकि इसको इसको हम कुछ नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये पूरे पूरे डिपेंड है ये अपर वाले पे, ठीक है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज हम डायरेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। जैसे एफ मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, एफ जब बस एफ की जो पोजीशन है वन में वन वन वहां पे वन रख लो, बाकी जीरो कर दो, ठीक है, बाकी सारे जीरो, एफ जहां पे वहां पे वन। नाउ जी एंड एच, ठीक है, नाउ ए, आप देखो जैसे ए आया, ए की पोजीशन पे वन रखना है, देखो वन, तो ये यहां पे भी वन ही आएगा, जीरो जीरो, बाकी सारे जीरो। ए देन ए बी के लिए आप करोगे एंड सी के लिए भी आप करोगे, तो हमारे पास ये जो E1, E2, E3, E4, E5, E6, ठीक है, जो मैट्रिक्स मिले A1, A2, A3, A4 या A5, A6, ये इसका कलेक्शन जो है वो हमारा बेसिस फॉर्म कर देगा। तो इस बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पे 6 है, लेकिन ये किसके लिए है, 3x3 के लिए, द सब स्पेस हैविंग द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसके लिए। अब ऑर्डर एन के लिए आप करोगे, अब ऑर्डर एन के लिए करना है तो आप इसको एन कर दो, ठीक है, एन बाय एन का कर दो। फिर A1 जहां पे ए आई जे होगा वहां पे ए जे आई कर दो, यानी A12 पे A12, A21 इन दोनों को इक्वल कर दो, यानी जहां पे A21 लिखा है वहां पे A12 कर दो। इस तरीके से आप फिर एक मैट्रिक्स बना लो, जैसे फिर A11 कॉमन निकालोगे आप, फिर A12 कॉमन निकालोगे आप, पहले डायगोनल वाले ले सकते हो आप, A11 प्लस A22 प्लस एंड सो ऑन करके, फिर A12 प्लस ए सॉरी A12 प्लस A13, इस तरीके से आप ये ले लोगे। अब A21 वाला एंट्री आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा, क्योंकि A21 वाला एंट्री ही यही है, बिकॉज A21 इज इक्वल टू A12, तो वो यहां से आ जाएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हमारा क्या बना देंगे, बेसिस, जितने भी वेक्टर है वो उनका कलेक्शन जो होगा वो एक बेसिस बना देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट डायमेंशन हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली नॉन ट्रिवियल एंट्री हम देखना चाह रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्री, और नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्री कैन बी ऑब्टेंड बाई
एन स्क्वायर, अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ट्रिवियल एंट्री, ऐसे भी निकाल सकते हो, या नंबर ऑफ, आपके पास दो चॉइस है, या तो आप डायरेक्ट नॉन ट्रिवियल एंट्री फाइंड आउट कर लो या ट्रिवियल एंट्री को सबट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो आप देखो मैट्रिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे ये मेरा, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल में ऑलवेज एन नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, वन ए टू टू, यहाँ पे ए का सफिक्स देख के भी आप पता लगा सकते हो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। ठीक, सो इसके जस्ट ऊपर सुपर डायगोनल, सुपर डायगोनल में एन माइनस वन एंट्री होंगी। ठीक है, सुपर डायगोनल में एन माइनस वन नंबर ऑफ एंट्री होंगी, इससे जस्ट ऊपर उसको कहेंगे सुपर सुपर डायगोनल, सुपर सुपर डायगोनल में आपको एन माइनस टू एंट्री होंगी, एंड सो ऑन। ये जब सबसे टॉप पे है उसमें केवल वन एंट्री है, इसके जस्ट नीचे है उसमें दो एंट्री है, जस्ट डायगोनली हम चल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो है, ये ए वन जो है, ए वन एन, ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, या मैं ये कहूँ अभी मैं डायरेक्ट नॉन ट्रिवियल देख रहा हूँ तो ये ट्रिवियल हो गया। ठीक है, मैं इसको ट्रिवियल बोल देता हूँ ये, क्योंकि ये इसको इस पे डिपेंड करता जाएगा, ए टू ए एन टू जो है इस पे डिपेंड कर जाएगा, तो ये ट्रिवियल है और ये नॉन ट्रिवियल। तो ये सारे डायगोनल प्लस डायगोनल से ऊपर, ये सारे हमारे नॉन ट्रिवियल है, तो इनका सम ले लो। तो इनका जैसे सम करोगे, फर्स्ट वन है, सेकेंड टू है, एंड सो ऑन एन, तो दिस इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू एन। तो इसका फार्मूला तो पता ही है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस डब्लू, सिंपली। क्लियर है? बेसिस को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बेसिस बी इज द कलेक्शन ऑफ ए आई जे, आपके पास ए आई जे क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बी सबसेट ऑफ डब्ल्यू होना ही है क्योंकि इसका बेसिस लिख रहे हो। ए आई जे क्या होगा, जब भी ए आई जे, जो भी ए आई जे होगा, इन द आयथ रो एंड जेथ कॉलम में वन होगा, एंड सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, जो आयथ रो एंड जेथ कॉलम में वन होगा, जेथ रो एंड आयथ कॉलम में भी वन होगा, एल्स जीरो होगा। अगर आई इक्वल टू जे हो जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, वो केवल डायगोनल में वन होगा, बाकी जीरो हो जाएंगे। तो इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इतना छोटे से फॉर्म में, इस बेसिस को। ठीक है, बेसिस में ऐसे एलिमेंट होंगे, क्लियर? डॉट डॉट डॉट, जैसे बी में आपने लिख दिए ये सारे एलिमेंट, एक दो का स्ट्रक्चर आपने लिख दिया जैसे इस तरीके से। ठीक, कॉमा एंड दो करके, एंड शो ऑन, बाकी दूसरे टाइप का भी एंड शो ऑन करके आपने ये बंद कर लिया। उसके बाद आप ये बी लिख दो यहाँ पे सीधे, वो ऑल सारे एलिमेंट लिख जाएंगे आपके। थे बेसिस आ गया, एंड डायमेंशन आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लो। एन ए तो आपको ऐसे ही जाना है, ठीक है, ऐसे ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया है जो मैं बोल चुका हूँ, आप देख लेंगे इसको।